हेलो दोस्तों, केम छो। तो अभी हम जा रहे हैं ओशो आश्रम से रुक्मणी जी के मंदिर की ओर, वहाँ पर जो रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो अभी हम वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी ये जो आपने पीछे देखा था ओशो आश्रम का जो वीडियो, जो अभी आप तक ने देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लेना ओशो आश्रम आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ से ओशो आश्रम से सीधा जा रहे हैं रुक्मणी जी के मंदिर की ओर, और वहाँ पर जाकर आपको दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, तो मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बीच में हमारे महादेव जी का मंदिर आया तो दर्शन करना तो बनता ही है। नीलकंठ महादेव का मंदिर है, तो चलो अंदर दर्शन करके फिर निकलते हैं आगे की ओर। देखिए भाई, श्री गोरखनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर थोड़े से इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पूरा हॉल जैसा है थोड़ा सा। ओम नमः शिवाय का, ये रहा हमारे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। हमने तो दर्शन कर लिए है और आपको भी करवा देते हैं। गणेश जी, हमारे ये कार्तिकेय जी, और ये रहे हमारे महादेव शंभू शंभू। तो चलो अब निकलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे अभी क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हम पास में ही देख रहे तो हमें भगवान बटुक भैरव का मंदिर दिख गया। तो अभी यहाँ पर हमने दर्शन किए और वो महादेव जी का ही एक स्वरूप है। तो यहाँ पर किसी संत का वो समाधि का जगह है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि किसी साधु शंकर गिरी जो है उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी, तो ये उनका आई थिंक जगह है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो लो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी जो मैं बात कर रहा था श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का, जहाँ पर विवाह हुआ था, जहाँ पर फेरे लिए थे। तो अभी वहाँ पर जाते हैं और पास में ही एक और जगह है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो अभी पहले वहाँ का हम दर्शन कर लेते हैं मंदिर का। तो ये देखिए दोस्तों, ये गेट है। तो अभी यहाँ पर तो काम चालू है और साइड में ये मैंने देखा तो ये कुछ पानी का कुएं जैसा है शायद, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, क्योंकि कुआं तो गोल होता है, तो ये पानी को स्टोरेज करने के लिए शायद बना हुआ होगा और ये बागीचे में यूज़ करते होंगे पानी को। तो अभी हम अंदर की ओर जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन वगैरह जो बनाई गई है पूरी हाथों से बना रहे हैं ये भैया। ये देखिए, ये सिर्फ पत्थर ही ऐसे और इस प्रकार से डिज़ाइने बना रहे हैं। तो अभी
थोड़ा अंदर जाके भी देखते हैं और आपको भी दिखा दिया। तो अंदर की ओर भी पूरा नया ही बना रहे हैं, क्योंकि माधवपुर एरिया है, इनको टूरिस्ट पॉइंट में अब गिना जा रहा है, तो गवर्नमेंट की ओर से ही पूरा ये बनाया जा रहा है। पूरा ये नया मंदिर बन रहा है अभी, तो अभी भी इसमें भी बहुत सारा काम आई थिंक बाकी है, पर अभी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको थोड़ा सा आसपास का एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी पिलर्स में अभी जो काम बाकी है, जो नक्शी काम कहते हैं ना, हाथों से बनाते हैं कारीगर जो आर्टिस्ट होते हैं, ये शायद सीटिंग वगैरह कुछ बनाए हुआ है, ग्राउंड है यहाँ पर कुछ, तो मे बी यहाँ पर कुछ त्यौहार वगैरह मनाते होंगे और पता नहीं क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर। अभी तो ये पूरा बन रहा है यहाँ पर, तो ये कुछ मंडप जैसा कुछ बना रहे हैं, पता नहीं एक्चुअल में तो क्या होगा, जब बन जाएगा तब पता चलेगा एक्चुअल में तो ये क्या बना रहे हैं भैया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और तो अभी हम जाते हैं अंदर की ओर और श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का दर्शन कर लेते हैं। मम्मी पापा उन लोगों ने तो दर्शन कर लिए, तो अभी हम अंदर जाते हैं, दर्शन करके आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो ये देखिए अंदर की ओर भी ये पूरा धीरे धीरे काम चल रहा है। तो अभी अंदर जो एक पंडित जी बैठे हैं, तो ये देखिए ऊपर की ओर, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे काम होगा, जो नक्शी काम होगा वो पूरा यहाँ अंदर की ओर भी होगा। तो आप देख ही पा रहे हो सब कुछ। तो ये रहे हमारे श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी। तो इस जगह पर श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, फेरे लिए थे। तो ये साइड में आप कलश जैसा देख रहे हैं, ये चार स्तंभ है मंडप के, जो यहाँ पर हम शादी में कलश रखते हैं, वो वाला कलश है, चारों दिशा में रखते हैं वो वाला। तो ये सब चीज़ हमारे जो अंदर एक बैठे हैं पंडित जी, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उन्होंने ही बताया है। ये रहे पंडित जी, तो ये चारों तरफ आप देखिए ये स्तंभ लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी ने शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे, और जो बीच में अभी देखा था आपने वो अग्निकुंड था, जो आप हम हवन कुंड बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूर्ति वगैरह रख के सही से बनाया रखा है। आपको ये मंदिर अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, तो मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नई वीडियो की। और अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर अब जो माधवपुर है वो टूरिस्ट एरिया में अब गिना जा रहा है, तो गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट चालू हो गई है। जो ये मंदिर है तो पूरा ये गवर्नमेंट की ओर से पूरा बनाने का स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे इसको प्रचार करेंगे टूरिस्ट को यहाँ पर आकर्षित करने के। ये पीछे जो आप देख रही है मंडप जैसा बन रहा है, तो अभी पूरा नया रिनोवेशन हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ ही सालों में यहाँ का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, पूरा अलग ही नज़ारा आ जाएगा। अभी तो काम स्टार्ट है, तो अभी इस तरह से नज़ारा है। तो लो जी दोस्तों, लास्ट टाइम ये आप गेट को देख लीजिए, यहाँ से अब अभी हम आगे जा रहे हैं। तो ये पास में ही जगह है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी ने हल्दी उतारी थी अपने शरीर में से, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने स्नान करके हल्दी उतारी थी। तो अभी हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का पूरा जगह, और धीरे धीरे हम आगे जाते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बनाया रखा है, यहाँ पर आप रास्ता देखें तो वो ब्लॉक वगैरह लगाए हुए हैं, तो बढ़िया है। और आसपास सब कोकोनट के गार्डन है, तो माहौल भी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ से अभी हम राइट साइड में हम मुड़ेंगे, तो यहाँ पर ही है ये गेट, यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है।
तो बोर्ड में लिखा हुआ है श्री महाप्रभु जी की बैठक यहाँ पर है और श्री कृष्ण भगवान तथा रुक्मणी जी ने यहाँ पर स्नान करके अपनी पिठी उतारी थी। तो यहाँ पर कुंड है, उसका नाम है कंदम कुंड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो आई थिंक यात्री हो गए और यहाँ पर वो खाना वगैरह खा रहे हैं। तो आई थिंक ये धर्मशाला या आश्रम जैसा है। तो अभी हम जाते हैं कुंड की ओर, तो आपको कुंड दिखाते हैं कैसा है कुंड। तो इस प्रकार से पूरा धर्मशाला के कि आप आश्रम के कुछ वैसा है और यहाँ पर भी धीरे धीरे सब कुछ बन रहा है। तो ये कुछ छोटा सा मंदिर जैसा है और ये रहा यहाँ का कुंड और सामने की ओर भी कुछ मंदिर जैसा बन रहा है आई थिंक ऊपर की ओर। तो ये देखिए अभी तो यहाँ पर पानी कम है, जब बारिश होती है तो ये पूरा कुंड भर जाता है यहाँ पर, वो मैंने नज़ारे देखे। और यहाँ पर ये मूर्तियाँ शिवलिंग वगैरह कुछ रखा हुआ है, मे बी आई थिंक ये सब कुछ निकल जाएगा और यहाँ पर पूरा रीडेवलपमेंट होगा। यहाँ पर ये पुजारी जी का घर से आई थिंक। तो अभी कुंड में देखिए बहुत सारी मछलियाँ मुझे दिख रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा इतना करवाऊँगा। तो आप ये यहाँ पर से देख सकते हो, ये देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं भाई यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतनी सारी मछलियाँ देखी है इतने छोटे कुंड में। तो ये भी एक करिश्मा ही है और आई थिंक जो यहाँ पर लोग आते होंगे श्रद्धालु वगैरह तो यहाँ पर मछलियों को खाना खिलाते होंगे आई थिंक, बट पता नहीं। तो सही है कुंड भी, अंदर तो पूरा काई वगैरह जमा हुआ, पर ये देखिए छोटी छोटी और बड़ी मछलियाँ भी है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये वाला। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बैठक है, अभी तो ऊपर की ओर हम जाते हैं जहाँ पर हम सामने की ओर आप देख रहे हैं बोर्ड रेड कलर का, वहाँ पर हम जाता हूँ दिखाता हूँ और वो क्या लिखा हुआ है और क्या है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है श्री महाप्रभु जी की बैठक का और गुजराती में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उनके आपको दर्शन कर पाओगे। तो पर अभी तो ये बंद है, उसके टाइमिंग है, उस टाइमिंग के हिसाब से ही आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अभी हम निकलते हैं आगे की ओर। और तो दोस्तों अभी तो हमने यहाँ पर कुंड देख लिया है, श्री कृष्ण जी और जो रुक्मणी जी यहाँ पर स्नान किया था। तो अभी हम जाते हैं माधवराय जी के मंदिर पे, वो हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है देखने का। और वहाँ से हम खाना खाने के लिए जाएंगे और सीधा निकल जाएंगे अपने घर की ओर, मतलब कि राजकोट। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए क्योंकि सबको भूख लगी थी। तो यहाँ पर एक होटल है, होटल मधुवन करके, यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर खाते और बताते हैं यहाँ पर फूड कैसा है और प्राइसिंग वगैरह कैसा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हाईवे की साइड में ही पड़ता है होटल, जो ये मेन हाईवे है माधवपुर का, तो उसके साइड में ही है। और ये देखिए होटल का नाम होटल मधुवन, तो बाहर से तो बहुत बढ़िया है होटल। और पास में ये हॉस्पिटल थी पहले गवर्नमेंट, तो अभी तो ये मूव हो गई है दूसरी जगह पर, नई बनी है। तो अभी हम अंदर जाते हैं और यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, गुजराती, काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर होटल रूम की भी सुविधा है। तो अभी अंदर जाके पहले हम खाना खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा खाना लगा हमें। तो ये एड्रेस आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा हाईवे के ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, सीधा आप एंटर होंगे तभी मिल जाएगा। ये यहाँ पर भाई बैठे मिलेंगे आपको, ठीक है, आएगा तो भैया। तो दोस्तों खाना तो हो गया है अभी, तो अभी हम निकलते हैं बाहर। और खाना भी बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं रही, मज़ा आया। और यहाँ पर रूम की भी सुविधा है, आपको रूम मिल जाएगा नाश्ते करना हो तो आपको। तो प्राइसिंग में हमने पूछा है कि 1500 से स्टार्ट होता है प्राइसिंग और 3000 तक जाएगा, और रूम के ऊपर है कैसा रूम है
और सभी रूम में आपको एसी वगैरह मिल जाएगा। तो अभी तो हम रूम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी लेट भी हो रहा है, अभी हमें राजकोट भी पहुंचना है। तो ये रही होटल मधुबन। तो अच्छा है होटल, मेरी ओर से रिकमेंडेड है, आ जाइए। और प्राइस भी बड़े अच्छे हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है और सही है खाने में। तो अभी चलो मिलते हैं माधवराय जी के मंदिर में, तो तब तक के लिए आप रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए। हेलो जी भाई, हम पहुंच चुके हैं माधव राय जी के मंदिर पे। तो अभी तो मंदिर बंद है, 4 बजे खुलेगा। तो वही सिस्टम है जो हवेली में रहता है उस तरह से ही। तो ये मेरे पीछे देखिए, आपको आगे से दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से पूरा मंदिर है, आप देख ही पा रहे हो, श्री माधव राय जी का मंदिर। तो अभी तो ये बंद है, ये जो हवेली के टाइम्स होते हैं, मतलब कि जो दर्शन के टाइम होते हैं उस टाइम में ये खुलेगा। तो 4 बजे का टाइम है और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी बिठाई हुई है, तो सही है। तो आज तो हम तो दर्शन नहीं कर पाए, आपको भी नहीं करवा पाए, तो इसीलिए सॉरी। कभी और बार आएंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे यहाँ पे। तो ये सामने की ओर आप हम जाते हैं थोड़ा, तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, जो ये माधव राय जी का ही मंदिर है। तो अभी हम आगे जाते हैं और वहाँ का आपको दिखाते हैं क्या कुछ है वगैरह। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये गाइडलाइंस है और दंड वगैरह लगेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और गुजराती में लिखा हुआ है, कोविड के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दी है, वार्निंग दी है। तो ये रहा एक्चुअल मंदिर का हिस्ट्री। तो ये 12वीं सदी का मंदिर है, 12वीं सदी में ये मंदिर फेट किया था, इस तरह से पूरा लिखा हुआ। तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो और यहाँ पर ये देख सकते हो, पूरा जो मूर्ति वगैरह है वो सब कुछ दिखाया हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये विष्णु जी का मंदिर है, माधव राय जी का मंदिर जो है। तो यहाँ पर ऐसी मूर्ति है। तो अभी तो आई थिंक अंदर काम चालू है, तो अभी तो हम अंदर नहीं जा सकते, पर आपको आसपास का एरिया दिखा रहे। तो आप ये देख सकते हो, बहुत ही पुराना मंदिर दिख रहा है। तो अभी तो पता नहीं कब ये रिनोवेशन करेंगे या नहीं, पर अंदर तो सब कुछ ऐसा दिख रहा है अभी तो। तो ये देखिए आसपास का सारा नज़ारा, ये स्तंभ वगैरह टूटा हुआ है और देख ही पा रहे हो आप, जो वो काम होता है, जो कलाकृतियाँ होती है मंदिर की, वो सब कुछ धीरे धीरे वो नष्ट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सा पुराना मंदिर है और समुंदर के एग्जैक्ट पास है, तो वो समुंदर का बेज भी लगता है, तो उस हिसाब से पत्थर में भी वो खड्डे वगैरह हो चुके हैं। तो अंदर की ओर तो शायद कुछ है नहीं, तो अंदर की ओर से ऐसा कुछ बनाया हुआ, ये जाली वगैरह लगाई है क्योंकि कोई अंदर ना आ सके। तो यहाँ से ही आप देख सकते हो अंदर, आई थिंक कुछ है नहीं, कैमरे में तो कुछ दिख नहीं रहा, और ऐसा ही है कुछ मंदिर। आई थिंक इतना पुराना होने के कारण मे भी कमज़ोर हो गया होगा, तो मे भी अंदर वगैरह जाने नहीं देते होंगे। और ये शायद जो मूर्ति एक्चुअल होगी, तो वो नए वाले मंदिर में भी वो स्थापना करी होगी। तो आप ये देखिए पीछे की ओर, ये पूरी कलाकृतियाँ धीरे धीरे मिट रही है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत है वो दिख रही है। तो सेम आई थिंक उस तरफ भी सेम ही होगा, वहाँ पर जाके देखते हैं।
तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये प्राचीन मंदिर। तो अभी तो अंदर काम काज चालू है थोड़ा बहुत, तो अभी तो हम अंदर नहीं जा सकते, तो मैंने आपको बाहर का व्यू बता दिया था। और अंदर कुछ आई थिंक मूर्ति वगैरह दिखी नहीं मुझे, मतलब कि वो नए मंदिर में शायद ट्रांसफ़र कर दी हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बट यहाँ पर कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि फिर पूछे कि। तो ये पूरा मंदिर है, अब बाहर से व्यू देख लीजिए मेरे पीछे ही। और थोड़ा ही बस मंदिर से हो सीधा समंदर में दिखने लगेगा। यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ ऊपर से मंदिर का। तो दोस्तों ये देखिए पूरा व्यू मंदिर का, इस प्रकार से पूरा मंदिर है। तो अभी तो आई थिंक ऊपर ये देख सकते हो थोड़ा सीमेंट वगैरह लगाई है आई थिंक, तो मे बी रिनोवेशन करते होंगे पता नहीं। तो यहाँ पर ये पत्थर वगैरह भी पड़े हैं, आई थिंक ये मंदिर के लिए ही होंगे। तो इस प्रकार से पूरा दूर से दिखता है ये पूरा मंदिर इस प्रकार से। तो उस समय में ऐसा मंदिर बनाया है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर ही आप ज़रा आगे निकलेंगे तो ये देखिए समंदर दिख गया माधवपुर का। तो यहाँ पर आप आके एंजॉय कर सकते हो समंदर को। तो आपको थोड़ा सा नज़ारा यहाँ पर दिखाता हूँ समंदर का, और आप भी ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल में नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो फटाक से, फ्री है। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को फटाक से दबा दो, तो आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और भी हम जगह एक्सप्लोर करेंगे, सब वीडियो में डालूँगा, तो आप देखते रहना और सब्सक्राइब कर दो यार हमको। तो दोस्तों बस हम जा ही रहे थे तो बीच में ये एक प्लेस आ गया जो था कछबा उच्छर केंद्र। तो ये रहा बोर्ड कछबा उच्छर केंद्र माधवपुर पोरबंदर वन विभाग। तो अभी हम अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर वेलकम नोट्स वगैरह रखिए, माधवपुर कछबा उच्छर केंद्र आपका स्वागत करता है। तो यहाँ पर कछुआ का संरक्षण होता है, और जो बच्चे होते हैं अंडे में से बाहर निकलते हैं उसको समंदर में छोड़ देते हैं। तो ये सारी जगह यहाँ पर कछुआ उच्छर केंद्र है जो दिखाया हुआ है मैप में। तो अभी यहाँ पर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये पूरा ये गार्डन जैसा भी थोड़ा बहुत बना रखा है, और कछुए को जो अंडे होते हैं उसको फर्टिलाइज में एनवायरनमेंट जैसा कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा है कछुए का, तो ये भाई साहब ने हमें बताया है कि ये देखिए ये अभी बच्चा निकला हुआ है सवेरे सवेरे अंडे में से। तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इतना छोटा बच्चा देखा है जो रियल में, वैसे तो हमने देखे हैं बहुत सारे पर रियल में इतना देखा है फर्स्ट टाइम मैंने, बढ़िया।
तो आपने देख ही लिया होगा कछुए के बच्चे को, आज ही वो जन्म हुआ था उस बच्चे का। तो अंदर जो भैया थे उन्होंने बता दिया कि ये अभी एक बच्चा यहाँ पर निकला है। तो इस प्रकार से ये बकेट्स रहते हैं पानी के, इसमें वो रखते हैं। तो ज़्यादातर वो ऐसा बोल रहे थे कि जो कछुए रहते हैं वो दरिया किनारे पे ही उसका प्रोसेस रहता है, किनारे पर ही। तो और ऐसा भी बोला था कि कल उन्होंने कम से कम 100-150 कछुए के बच्चों को समंदर में छोड़ा था। तो बता रहे थे कल आप आए होगे तो होते तो बहुत मज़ा आता आपको, क्योंकि जहाँ पर यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आए थे उन सबको कछुए दिए थे और सबको छोड़ने के लिए दिए थे। तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता, पर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं थे तो हमें नहीं मिला वो लाभ। तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। तो अभी हम फटक से निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है जाने में, क्योंकि हम शाम को पहुँचेंगे 7:30-8 बजे राजकोट पे। हेलो जी दोस्तों, तो अब हम पहुँच चुके हैं घर और गाड़ी को पार्क कर दिया है और अभी हम घर पर जाते हैं और खा पी के सीधा सो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, तो जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको सीधी नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे नए वीडियो की। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।